कि वास्तु सब जगह एक फिक्स पैटर्न में नहीं है, जो नॉर्मली सबको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, हो गया वास्तु, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, इतना सा नहीं है। कोई भी शास्त्र अपने को परेशान करने के लिए तो बनाएगी ना, हमारे को सुविधा देने के लिए बना, बच्चों को उछाल देता है ना, बच्चा स्माइल करता है, कुछ चीज का फियर नहीं होता, इसका डर नहीं होता मैं गिर जाऊं। लास्ट एपिसोड में हमने नरेश सर से वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ समझा था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर स्टैंडर्ड डिस्कशन विद द रेनाउंड पर्सनालिटी एंड द ग्रेट वास्तु कंसल्टेंट ऑफ इंडिया मिस्टर नरेश सिंघल। आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने बड़े वास्तु शास्त्री हैं, क्या आप भी ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं? आपके पास कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी है सर? हमारे पास हम वीकली भी लेते हैं, जूम पे भी लेते हैं, सैटरडे संडे ऐसे भी लेते हैं, वीकेंड पर भी करते हैं। हाँ जी, और रेगुलर भी लेते हैं, और मेरी फिजिकल वर्कशॉप जिस पे आप क्लिपिंग्स मेरे YouTube चैनल पे देखते हैं आप जी, वो भी होती है। ठीक है, तो मिनिमम ड्यूरेशन क्या है सर कोर्स की और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, अगर घंटों की बात की जाए? वर्कशॉप की बात करते हैं वो 2 दिन की है, वो जो मिनिमम है जी, आपको 2 दिन पूरा 10 से लेकर 5-6 बजे तक आपको देना होता है जी, वो हम किसी भी 5-star प्रॉपर्टी में करते हैं जी, नॉर्मली ली मेरे दिल में करते हैं जी, दिल्ली में, तो बाकी और भी जगह करते हैं। अगर कोर्स की तरह इसको लिया जाए तो कोर्स भी हम कराते हैं, वर्कशॉप कोर्स की तरह ही है, जैसे आपने ये वर्कशॉप बताया 2 दिन की वर्कशॉप होती है, कोर्स के लिए अगर बात करें 15 क्लासेस के भी कोर्सेज हैं जी, और 15 क्लासेज हम 3 महीने में कम्प्लीट करते हैं जी। अब इसी तरीके से हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जी, उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तो हुआ लर्निंग जी, यानी आप पढ़े आए हैं सुन रहे हैं जी, ट्रेनिंग में क्या था कि आप हमारे साथ विजिट पे भी जाते हैं, ओके, हम आपको लेके भी जाते हैं, क्लाइंट साइड पर आप जा रहे हैं, हाँ, और उनको हम हैंड होल्डिंग भी देते हैं, उनको बैकअप भी देते हैं कि कहीं भी अटकते हो तो हम साथ में हैं जी जी। कभी कभी उनके पास बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी का विजिट है, किसी 5-star का, किसी बहुत बड़ी कॉलोनी का है, फॉरन का है जी, तो उनको पता ही नहीं वहाँ के बायलॉज का है, वहाँ का एनवायरमेंट क्या है, उनका नेचर क्या है, उनके हिसाब से वास्तु बदलता है। हाँ, एक चीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ जी जी, कि वास्तु सब जगह एक फिक्स पैटर्न में नहीं है, जो नॉर्मली सबको लगता है ओके, कि नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, हो गया वास्तु, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, इतना सा नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हाँ, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हो, पुराण हो, हमारे को रिजिड नहीं बनाती जी, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाती है, फ्लेक्सिबल है। कोई भी शास्त्र अपने को परेशान करने के लिए तो बनाएगी ना जी जी, हमारे को हेल्प करने के लिए, सुविधा देने के लिए बना, हेल्प करने के लिए बना। हाँ, तो आप उसको पॉजिटिव वाइन में सोचेंगे तो उसका फायदा मिलेगा जी जी। आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने फादर पे ट्रस्ट करते हैं, एक बच्चा अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है या फादर, वो बच्चे को उछाल देता है ना, बच्चा स्माइल करता है, उसको इस चीज का फियर नहीं होता, इसी का डर नहीं होता मैं गिर जाऊंगा, उसको पता है मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ लिया है जी जी। तो इसी तरीके से आप पहले भगवान पर यकीन कीजिए, तो भगवान की जो थ्योरी है उसके अंदर वास्तु या ज्योतिष अपने आप निकल के आता है, अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। जिन्होंने रामायण देखी है, रामायण के अंदर राजा रामचंद्र जी जो अपनी कुटिया बना रहे हैं, पहले उसका वास्तु शांति करते हैं, ओके, उसका मंत्र कभी क्लिपिंग बीच में निकाल के देख रहे हैं, बिल्कुल। तो सर, अब बात कर ली हमने कि स्टूडेंट को कैसे पता चले, हमने डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर ली, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की बात कर ली, अब सपोज स्टूडेंट ने ये सब कम्प्लीट कर लिया और वो अब वास्तु या एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहा है, तो प्रोफेशन में, लाइफ में इसके करियर स्कोप क्या है, कि कहां तक आगे सोच सकते हैं? एंडलेस है, एंडलेस। मैं अपनी इनकम तो यहां शेयर नहीं कर सकता हूं जी, बट मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा जो भी सपना था, मैं खाली पहले सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, आज का समय थोड़ा बदल गया ना, कहते यार कायदे की बात बाद में, पहले फायदे की बात, फायदा बाद में, फायदा पहले, फायदा। तो फायदे की बात यह कि आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अच्छा, आप इसके साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं उसको भला भी करते हैं। मैं तो कहूंगा ये प्राइमरी बेनिफिट है कि आपको दुआएं मिल रही है, आज के टाइम पर सबसे महंगी चीज है दुआएं मिलना, सच्ची दुआएं मिलना, पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है जी, लेकिन बशर्ते आपको एक तरीके का ये तप है, जस्ट आप इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि एक थ्योरेटिकल नहीं है, एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जैसे आपने 10th की या 12th की या ग्रेजुएशन की, उस टाइप की विद्या नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी कि सरस्वती, ये सब जो आप बात करें सरस्वती की बात करें, सरस्वती अरे को बृहस्पति, सरस्वती में आपको बुक पढ़नी पड़ती है जी, माँ सरस्वती के हाथ में किताब है, पुस्तक है जी, ठीक है ना, वीणा है, आप सबको सिखाती है जी, बृहस्पति एक गुरु, बृहस्पति होता ज्ञान, तो विद्या में और ज्ञान में अंतर है, ओके, ज्ञान इंटरनल चीज है, अंदर से आता है, ठीक है ना, विद्या बाहर से भी ले सकते हैं जी,
ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको उस तरीके से नहीं ले सकते, पहले अपने आप को तप करना पड़ेगा, अपने आप को यानी इसका जैसा कोई भी किसी को पहले शिक्षा है फिर दीक्षा है, जब तक दीक्षा नहीं है तब तक आप इसको शुरू ना करें। ओके। जब तक आपको अथॉरिटी ये छूट नहीं देती थी, बहुत से लोगों को हम कोच करवाते हैं लेकिन मना करते हैं कि अभी आप इसको फिट नहीं है, अभी आप इसको प्रोफेशनली करने के लिए फिट नहीं है, मत किसी को कंसल्टेंसी देने के लिए यू आर नॉट फिट नाउ, उसके लिए तप करने की रिक्वायरमेंट है। और वो तप जो है आदमी को सरल होना चाहिए, आदमी को सिंपल होना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि ये सिर्फ पैसा कमाने की चीज तो नहीं है। ठीक है। तो सर आप जैसे हमने बताया कि 24 साल की एज में लगभग एक स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, 22 साल की एज पे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये इसको एज ए हॉबी एज ए प्रोफेशन पढ़ के समझ के परसू करना स्टार्ट कर सकता है। हॉबी तो कभी भी शुरू कर सकता है जी, एज ए प्रोफेशन मैं ये कहूंगा ग्रेजुएशन लेनी चाहिए, ग्रेजुएशन की तरह इसको उसके बिना वो इसकी शिक्षा लेनी शुरू करे। हाँ। और लगभग आप कितने समय का तप मानते हैं कि इतना समय का तप तो चाहिए? इसकी कोई फिक्स वो नहीं है जी, ऐसा फिक्स नहीं है, फिक्स तो हम कोर्स का कह सकते हैं कि एक साल तक का कोर्स है, एक साल तक का डिप्लोमा है, एक साल तक की डिग्री है, जो भी है जी, एक साल तक इसको पढ़ाई कीजिए जी, उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिकल कीजिए। और सीखने की जो बात है अपने घर से सीखना शुरू कीजिए, आपके घर में जो पूजा पद्धति पूजा पाठ है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, उसी में ध्यान लगाइए। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो सबसे पहले जो हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं, हम ऐसा नहीं हो कि भगवान की जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और माँ बाप को कुछ इज्जत नहीं दे रहे या उनका कहना नहीं मान रहे, तो यहाँ से शुरू होगा नहीं। हमारे माता पिता जो लाइव गॉड है ना, माता पिता पहले तो उनका ही आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी, एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब ये चीजें फलीभूत होती है। ये एक्चुअल तप है, अपने घर से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे महसूस होगा कि हाँ हम इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। पैसे पे इसको भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ जी। सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को देखते हैं। मैसेज वो स्टूडेंट्स के लिए थे जी, फिर भी मैं इसमें एक जो कहना चाहूंगा, विश्वास कीजिए, सरल रहिए और अपनी जड़ों को अपनी उन चीजों को मजबूत कीजिए। फिलहाल जो आपका काम है, यदि आप जो रनिंग यानी जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हैं उसको पूरा दम लगा के कीजिए, यदि आप उसमें फेल हो रहे हैं तो आप ज्योतिष में भी फेल हो जाएंगे, आप वास्तु में भी फेल हो जाएंगे जी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड माय तर्क एंड वितर्क वेरी ब्यूटीफुली। बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो दिस वॉज ऑल द स्टफ रिलेटेड टू अ परफेक्ट करियर इन वास्तु शास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी। If you still have more doubt or any query, you can comment on this video or you can directly reach me at my Insta profile. And don't forget to like and share the video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.